टुडेस डिस्कस अबाउट माइक्रोबायोलॉजी इंट्रोडक्शन। इससे पहले मैंने स्टूडेंट डिस्क्राइब किया था कि माइक्रोबायोलॉजी हम किस लिए पढ़ते हैं और उसका अध्ययन क्यों जरूरी है। आज हम पहले मिलता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, किसके अंदर जीवन पाया जाता है। कहते हैं कि सूक्ष्म जीव जो हमें नेट आंखों से नहीं दिखाई सकते, मतलब हमें नंगी आंखों से उनको नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम सहायता लेंगे और उसके द्वारा उसका उसको देखेंगे तब उसकी स्टडी करेंगे। तो उसने मैंने बताया था कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ होते हैं जो क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। आज हम ब्रांच पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की जो दो नाम से जानी जाती है। एक तो है हमारी प्योर माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस, और मैं सेकेंड जो होती है वो अप्लाइड या क्लिनिकल बोल सकते हैं। अप्लाइड मतलब जो हम अपने जीवन में डेली अप्लाइड कर रहे हैं, तो अप्लाइड माइक्रो बायोलॉजी ब्रांचेस। ये दो ब्रांच है किसकी, माइक्रोबायोलॉजी की। अब इसमें हम सबसे पहले प्योर माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस को कहते हैं, सेपरेशन होता है, सेपरेट करते हैं कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, फंगस क्या है, एल्गी क्या है, और पैरासाइट क्या है, निमेटोड्स क्या है, और इन्हीं को हम सेपरेट करते हैं और उनके आकार, शेप, साइज और उनका फंक्शन और कैसा उनका नेचर है, इन चीजों को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले आते हैं प्योर माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस के अंदर। तो इसमें हम सब इसके डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखें हम, तो नंबर एक पे आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी, लॉजी सब आप समझते ही हैं कि जहां पे लॉजी सब लग जाता है वहां पे होता है अध्ययन करना या स्टडी करना। तो वायरो मतलब वायरस, वायरस क्या है, वायरस देखा जाए तो एक केमिकल पार्टिकल होता है, कहां पे, विदाउट होस्ट, किसी एक जीवित प्राणी के अंदर नहीं गया है और वो बाहर ही ऐसे पड़ा है, तो क्या है, एक केमिकल पार्टिकल है, नॉन लिविंग है। मगर यदि किसी होस्ट के अंदर चला गया है, किसी एनिमल के अंदर चला गया है, किसी लिविंग थिंग्स के अंदर चला गया है, तो क्या होता है कि वो लिविंग हो जाता है, जिंदा हो जाता है। इसलिए तो उसको जो नॉन लिविंग है उसको बोलते हैं वायरल, और जो लिविंग होता है उसे बोलते हैं वायरस। तो वायरोलॉजी क्या होता है कि माइक्रोबायोलॉजी की, या मेडिकल साइंस में माइक्रोबायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम वायरस का अध्ययन करते हैं। वायरस का क्यों अध्ययन करते हैं भाई, उसका नेचर क्या है, उसका कितना साइज है, कैसे रहता है, क्या उसका मतलब क्या क्वालिटी है और कौन सी दिक्कत बना सकता है। तो इसका सबसे पहले हम किसी व्यक्ति को जानने के लिए उसका नेचर और उसका सिद्धांत और उसके बारे में पता करते हैं कि क्या इसकी गतिविधि है और कितना इसका पावर है, उसको पता करते हैं, बाद में पता करते हैं कि ये कहां तक पहुंच सकता है। तो वायरोलॉजी मतलब होता है वायरस के विषय में अध्ययन करना, वायरस के विषय में, वायरस के विषय में, तो उसको वायरोलॉजी बोल देते हैं। यदि हम नंबर सेकेंड पे पहुंचे और नंबर सेकेंड पे हम पढ़ें तो होता है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। आप देखिए बैक्टीरियोलॉजी से पता चल रहा है कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया को वही चीज है कि उसका नेचर कैसा है, क्या फंक्शन है, क्या आकार विकार उसके हैं, इसी चीजों का अध्ययन करते हैं हम बैक्टीरिया के, तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ये भी माइक्रोबायोलॉजी की एक शाखा है। तो इसमें किसका हम अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का बैक्टीरिया हो गया, सेलुलोलाइटिस हो गया, ये बैक्टीरिया है, ये क्या कवर करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर तो बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। तीसरे में हम देखें किस नंबर पे, इसमें हमें वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, इसमें माइक्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी। अब माइक्रोलॉजी आप देख लीजिए कि माइक्रोलॉजी में क्या होता है। माइक्रोलॉजी में हम फंगी का अध्ययन करते हैं, फंगी, फंगी मतलब फंगस का, और फंगस देखा जो वैसे तो यीस्ट एंड मोल्ड्स,
ईस्ट जो क्या है फंगस है, ईस्ट एंड मोल्ड्स। तो माइक्रोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, फंगस का। और फंगस में क्या आता है, ईस्ट आता है, मोल्ड्स आता है। और नंबर चार पे हम अध्ययन करते हैं तो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। यहाँ पे हम किसका अध्ययन करेंगे फाइकोलॉजी में, फाइकोलॉजी में हम अलगी अध्ययन करेंगे, अलगी की स्टडी करेंगे। अलगी होता है, अलगी का अध्ययन करेंगे। तो फाइकोलॉजी में हम अलगी का अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम नंबर पांच में देखें तो बायोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, माइक्रोलॉजी हो गया, फाइटोलॉजी हो गया। अब हम नंबर पांच में पैरा साइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी मतलब, अब आप समझ रहे हैं पैरासाइटोलॉजी में स्थिति क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स, माइक्रोस्कोप टेस्ट करके माइक्रोस्कोप से देखे जाए उनका अध्ययन करें। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरासाइटोलॉजी प्लाज्मोडियम हो गया, इसके द्वारा प्लाज्मोडियम हो गया, ये पैरासाइट होते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। तो नंबर छह पे हम बात करें तो पैरासाइटोलॉजी हो गया, प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी इसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं, प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं। नंबर सात पे यदि हम बात करें तो इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। अब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, यहाँ पे यदि कोई बीमारी हमें कॉज हो रही है तो उसके प्रति इम्यूनिटी हम जनरेट करते हैं। और बॉडी में इम्यूनिटी कोई दिक्कत हो रही है तो बहुत सारी से ऑस्टियोआर्थराइटिस से गठिया भाई है ये, और ये सीवियर डिसीज है। तो ये क्या करती है, इम्यूनिटी का इसमें रिलेशन टू कॉजिंग क्या है, उसके प्रति क्या है डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना, उसकी भी स्टडी करते हैं। रिलेशन टू डिसीज उसकी भी अध्ययन करते हैं। तो इम्यूनिटी का मेन काम होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी लो है तो उसको बढ़ाना और बीमारी से सुरक्षा प्रदान करना। तो हम इम्यूनोलॉजी के अंदर करते हैं। नंबर आठ के हम बात करें, यही बात कर लेते हैं। नंबर आठ में आता है निमेटोलॉजी, निमेटो, निमेटोलॉजी में निमेटोड्स होते हैं, निमेटोड्स कौन से हैं, राउंड वाले, मतलब पेट में कीड़े हो जाते हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। ये कौन राउंड वर्म्स, तो ये क्या है, इंस्टाइल पाए जाते हैं और इनकी स्टडी हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्योर माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच के अंदर आता था। अब हम दोबारा दूसरी जो ब्रांच थी माइक्रोबायोलॉजी की वो कौन सी थी, अप्लाइड, हमारे हिसाब से अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरी जो हमारी ब्रांच थी वो अप्लाइड थी, अप्लाइड या क्लिनिकल बोल सकते हैं, अप्लाइड मतलब जो डेली अप्लाइड हो रहा है, जो क्लिनिकल है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस के अंदर क्या होता है। इसमें यदि हम देखें तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सबसे पहले किया जाता है, मेडिकल जो हमें जरूरत है, मेडिकल साइंस वही मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इसके अंदर क्या होता है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की जरूरत हमारी, क्योंकि हम मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। मेडिकल स्टूडेंट साइंस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है कि स्टडी रिलेटेड टू द माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज, मतलब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो बीमारी कॉज करते हैं, और उनसे प्रिवेंशन के लिए, उनसे बचने के लिए हम इस, और उनको प्रॉपरली उनकी डेथ करने के लिए क्या एंटीबायोटिक देंगे या कैसे उनको खत्म करेंगे या फिर हम स्टेलाइज कैसे करेंगे अपने आप को, तो वो कहाँ पे हम पढ़ते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हमारे जीवन में जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में यदि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ी गई तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा माइक्रोब्स कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है, कौन सी बीमारी फैला रहा है।
तो सबसे पहले सीखा गया था मेडिकल माइक्रोबियोलॉजी, दूसरा जो देखा जाए फूड एंड डायरी प्रोडक्ट, दूसरे में देखें तो फूड एंड डायरी माइक्रोबायोलॉजी। फूड एंड डायरी माइक्रोबायोलॉजी, फूड डायरी मतलब आप देखिए क्या होता है कि हम यदि किसी फूड को स्पॉइलर होने से सड़ने से बचाने से बचाना चाहते हैं तो हमको क्या आनी चाहिए, फूड एंड डायरी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। तो स्टडी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रिपरेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोब्स काउजिंग फूड स्पॉइल, ठीक है, फूड बॉर्न डिजीज, फूड डायरी प्रोडक्ट्स एंड डेवलप्ड माइक्रोब्स एंड फॉर्मेशन। कहते हैं कि हम किसी भी यदि भोजन को बचाना है तो हमको क्या आवश्यकता है, हमें फूड एंड डायरी माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तभी हम किसी फूड को सड़ने से स्पॉइल होने खराब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो वो डायरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स वो भी अंदर आते हैं। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फूड एंड डायरी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, तीसरे की बात करेंगे हम, तीसरी यदि है तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर में हम देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या होता है, किसानी खेती किसानी करते हो तो उसमें क्या होता है कि फसल को क्रॉप्स को कौन सी डिसीज हो रही है, किस वजह से फसल बर्बाद हो रही है, कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म फसल को बर्बाद कर रहा है, उसके प्रति इंसेक्टिसाइड्स या केमिकल जो तैयार किए जाते हैं टेस्ट किए जाते हैं वो किसके अंदर आता है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। अब हम नंबर चार पे देखें तो नंबर चार पे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल यूजफुल माइक्रोब्स, ठीक है, इन प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। बेवरेज क्या होता है, अल्कोहल के बनाने में जो माइक्रोबायोलॉजी यूज होता है, फर्मेंटेशन करता है, हार्मोन से एंटीबायोटिक्स को तैयार करता है, उनका यूजफुल कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में उसका अध्ययन करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं। तो चार हो गई, अप्लाइड में हमारी तीन हो गई, एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गई, फूड एंड डायरी माइक्रोबायोलॉजी हो गई, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी हो गई, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो गई। अब हम देखें तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल ये चौथी थी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी फार्मा कंपनी में, फार्मेसी में स्टडी ऑफ माइक्रोग्रीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वेयर प्रिजर्वेशन स्टेलाइजेशन इट इज लाइक एंटीबायोटिक्स वैक्सीन विटामिन एंजाइम। यदि हम किसी चीज को निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक्स हो गया या कुछ भी हो गया, तो उनका निर्माण करना या उनको बनाना तो हम इसके अंदर करते हैं, इसके अंदर थे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो ये फार्मेसी में आता है, इसका यूजफुल है और इसको हम फार्मेसी में यूज करते हैं एंटीबायोटिक करने के लिए या फिर हम कोई किसी चीज को प्रिजर्वेशन करने के लिए बचाने के लिए, ठीक है, यदि उसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। और अब देखा जाए तो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी किया जाती है इसमें पांच नंबर पे, वैसे बहुत लंबा खींचना नहीं है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल में क्या हो गया कि हम इन्वॉल्व माइक्रोब्स इन्वायरमेंटल इंड्यूसेस ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे इन्वायरमेंटल में पाए जाते हैं, बीमारी कॉज करते हैं, नुकसान करते हैं, तो उनका हम स्टडी कहाँ करते हैं, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं।
तो मेन चीज देख लीजिए कि इसका स्कोप क्या हुआ। स्कोप ओवरऑल स्कोप ये हुआ कि इसका इसका मेन उद्देश्य ये हुआ, इम्पोर्टेंस ये हुई कि यदि हम माइक्रोबायोलॉजी में हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन का स्टडी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हानिकारक और लाभदायक दोनों हो सकता है। कोई चीज एग्रीकल्चर में, मगर एक चीज ये देखा जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो है प्राइमरी डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर मतलब होता है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है, किसी लाइव चीज की मृत्यु हो जाती है और उसको मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है, तो क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, बॉडी को खराब करते हैं। तो बॉडी को खराब करने का काम कौन करते हैं, और क्या होता है जो उसके अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसके अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं मिट्टी को दे देते हैं। तो क्या होता है मिट्टी को दे देते हैं, कोई चीज सड़ती है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं आदमी लाइव कोई चीज है वो डेथ हुई उसकी, तो उसके अंदर प्रोटीन विटामिन फैट वगैरह रहती है और जब डिकम्पोज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को मुक्त कर देते हैं बॉडी से, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लाभदायक है। यदि हम कूड़ा करकट डालते हैं तो क्या करते हैं बैक्टीरिया ही क्या करता है उसको डिकम्पोज करता है, उसी को सड़ाता है। तो डिकम्पोजर काम करता है उसके अंदर यदि प्रोटीन ही है तो प्रोटीन हमारे कहां गई, इन्वर्ट करने चली गई, या प्रोटीन ही हमारे कहां अर्थ में चली गई, तो वो हमारे लाभदायक है। तो प्राइमरी जो डिकम्पोजर है वो कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारे जीवन के बहुत ही अलग। अब क्या होता है कि यदि हम अरहर की दाल का पौधा या मटर की दाल का पौधा लगाते हैं तो क्या करता है वो नाइट्रोजन को क्या करता है पृथ्वी के अंदर नाइट्रोफैक्टर के द्वारा क्या करता है नाइट्रोजन को उस खेती में क्या करता है प्रवाहित करता है। इसलिए हम नाइट्रोफैक्टर वाले पौधे लगाते हैं, अरहर का पौधा हो गया, मटर का पौधा हो गया, इन चीजों लगाते हैं तो इससे खेती क्या होती है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी खेती क्या होती है, स्ट्रांग होती है, उसके न्यूट्रिएंट मिलते हैं उसमें, ये सब चीजें हमारी हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट इतना आज काफी है, माइक्रोबायोलॉजी में हम आगे बढ़ाएंगे।